जायदाद के लालच में बेटी मां के दुश्मन बन गई। बेटी की मां के घर पर कब्जा करने की कोशिश, बेटी और कब्जा माफिया का घर में घुसकर खातून पर तशद्दुद। कराची शहर से आपको खबर दे रहे हैं, बीवी के कहने पर बेटे ने मां को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं साहिबाज शहर से, पैसों की लालच ने बेटे का खून सफेद कर दिया। चोरी के इल्जाम में सगे बेटे ने मां को घर से निकाल दिया। माँ का हीरो जो होता है ना, उसका बेटा होता है। शौहर भाई एक अलग जो हीरो होता है ना, कि जिसकी अचीवमेंट पे उसको मतलब फख्र होता है, वो बेटा होता है। अरे पूछना सही उसको क्या अच्छा लगता है। वो पहली दफ़ा कहेगी कि कुछ नहीं, जो मर्जी ले आ। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि सिर्फ माँ एक वाहिद वो रिश्ता है जो कभी शिकायत नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं करते हम कि किस दिन माँ को कहें, माँ चल किसी को सरप्राइज दे रहे हैं, और अगर उसको बताया जाए कि माँ आज तेरे लिए सरप्राइज है, मैं तेरे साथ डेट मारने के लिए, उससे बेहतर वो शाम दुनिया में मतलब ज़िंदगी में हो नहीं सकती। कि आप जब माँ के साथ एक शाम गुजार रहे हैं, मतलब जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, माँ पे मतलब अगर रोज़ाना किताबें भी लिखी जाए ना, तब भी बात मुकम्मल नहीं हो पाती। अपने दोस्तों के साथ डिनर करते हो, लंच करते हो, ऑफिस ये वो इधर उधर, माँ की सहेलियों का रखो ना डिनर या लंच, उस दिन फिर माँ की खुशी देखो। रात को जब हम घर जाते हैं तो माँ कहती है सर दो मिनट पास बैठ जा। हाँ हाँ बैठता हूँ, आज तक हवा सुबह बैठ जाऊँगा, बात सुन लूँगा। होता है कि अच्छा कल सुन लूँगा, परसों सुन लूँगा, लेकिन डर उस वक्त से कि वो कल आए तो माँ ना। मेरी शायद माँ नहीं है इसलिए ये फील ज़्यादा होता है। इससे पहले कि माँ चली जाए, कदर कर ले उसकी।